साल हो गए यहाँ पर निकल के। अच्छा, एक साल से आप घर से निकले हैं? हाँ। अभी पहुँचे हैं? अभी पहुँचा हूँ। ओहो हो, कहाँ कहाँ घूमा है? घूमा नहीं, ऐसे ही चलते आ रहा हूँ, सिर्फ पैदल आ रहा। पैदल? हाँ। आप पैदल आ रहे हैं महाराज जी? पैदल आ रहा हूँ। जरा इधर देखिए, ये देखिए, 19 साल की उम्र में। क्या शुभ नाम है आपका? हमारा शुभ नाम है गोवर्धन जी। गोवर्धन, गोवर्धन जी, और माता पिता ने आपको कहा कि जाइए? माता पिता तो गुजर गए हैं साहब जी, अकेले इसके वजह से। माता पिता गुजर गए? ओहो हो, बड़ा दुखद है। कब गुजर गए? माता तो जन्म देते गुजर गई थी, अभी पिताजी हम जब 12 साल के थे तब से गुजर गए। आप अकेले हैं? अकेले। भाई बहन? चुलत बहन है। बहन है? चुलत है। कई साल की उम्र में ये हुआ कि हमको जो है भ्रमण करना है और अयोध्या धाम पहुंचना है? कब एहसास हो गया इसका? ये तो हम पहले पास से जाति धर्म में भेदभाव करते नहीं, इधर उधर नहीं। ये तो करना ही नहीं चाहिए, ये तो सबसे गलत बात है। और देवताओं को जाते रहते हैं, जाते रहते हैं। अब के जीवन का अब उद्देश्य हो गया है कि हाँ, बस धर्म के काम में रहना है और प्रभु की सेवा करनी है। तो अयोध्या में ही रुकेंगे कि और अभी आगे भ्रमण करते रहेंगे? अभी अयोध्या में 3 दिन रुकने का साहब जी, फिर उधर शायद जैसे वृंदावन निकलने का। वृंदावन जाएंगे उधर दर्शन करके ऐसे सब। यानी आप धीरे 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 भारत भ्रमण करते रहेंगे और पैदल ही करेंगे? पैदल ही करेंगे। देख रहा हूँ मैं जैसे कि बनियान पहने, ठंड भी नहीं लग रही आपको। तपस्वी हैं आप तपस्वी हैं, आपको धन की आवश्यकता नहीं पड़ती? कभी नहीं पड़ती? ये सिर्फ चद्दर रखा है, नीचे दाने के लिए रखा है। अच्छा, नीचे दाने के लिए सो जाएगी। नहीं, कुछ वस्त्र तो लेना चाहिए ना? नहीं, वस्त्र की आवश्यकता तो पड़ती है। ये चद्दर बिछाएंगे, उस पर त्रिशूल रख देंगे और हम बाजू में सो जाएंगे। सो जाएंगे एक ही चद्दर से ही? हाँ, एक ही चद्दर से। अगर आपकी इच्छा हो कोई वस्त्र खरीदने की तो हमसे कहिए, हम आपकी सेवा करें। खरीदना चाहते हैं? वैसे तो हमारे कुछ चाहिए नहीं अभी, अभी तो कुछ आवश्यक। हमको अच्छा लगेगा आपकी सेवा करके। अभी तो ठंड बचते नहीं। कुछ भी आपका दिल करे, कोई इच्छा हो कि हमको ये लेना है, पादुका लेना है, वस्त्र लेना है, कुछ लेना हो तो बतावें। लेने को यहाँ पर खड़ा हो मिलता नहीं ना? मिलता है। ये आप जाएंगे ना श्रृंगार हाट, श्रृंगार हाट आगे जाएंगे तो आपको खड़ाऊ मिलेगा। आप हमसे जो है धन ले लीजिए और एक अच्छा खड़ाऊ अपने साइज का जो है जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, मिल जाएगा इतने में, है ना? लेकिन आपको मैं देखा हूँ, बड़ा मनमोहक आपका स्वरूप था। हम कहे कि रोकें जरा आपसे बात करें, तो आपने ऐसा जो है अपना वृत्तांत सुनाया कि मतलब पिताजी 12 साल में गुजर गए, माताजी जन्म देते ही गुजर गईं और आप भारत भ्रमण पे निकल गए। भाई आप धीरे धीरे सिद्ध पुरुष हो जाओगे, हमारा नमस्कार ले लीजिए, राम जी से दुआ करिएगा, ठीक है? और आप अपने पथ पर चलते रहिए। ऐसे ही महात्मा जो है, बड़े बड़े ऋषि मुनि, उन्होंने पहले यही किया है और आप उसी मार्ग पर चल रहे हैं। बहुत तो चलना ही है, अभी प्रभु की कृपा है। प्रभु कृपा होगी आपके ऊपर, कहीं आपको कोई बाधा नहीं आएगी, कोई बाधा नहीं आएगी। खड़ाऊ आप ले लीजिएगा। हाँ ठीक है, चलिए नमस्कार, राम जी भला करें आपका। चलें, चले।